किडनी के रोग में जहर समान है ये पांच चीजें। फ्रेंड, किडनी का डैमेज जब होना शुरू हो जाता है तो शरीर में क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर जो बचे खुचे नेफ्रॉन होते हैं, जो सही से काम कर रहे होते हैं, वो भी ख़राब होने लगते हैं और आपकी किडनी बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती है। अगर आप इन पांच चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपकी किडनी कभी भी सही से काम नहीं करेगी और वो दिन पे दिन और भी ख़राब होती चली जाएगी। तो आपको इन पांच चीज़ों का भूल करके भी सेवन नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी पांच चीज़ों के बारे में। फ्रेंड, नमक का प्रयोग ज़्यादा करना किडनी को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। नमक के अंदर बहुत अधिक मात्रा में सोडियम होता है और ये सोडियम की वजह से किडनी के टिश्यू के साथ साथ किडनी के नेफ्रॉन भी बहुत तेज़ी से डैमेज हो रहे होते हैं और साथ में पेशाब कम आने की वजह से आपके शरीर के अंदर पानी इकट्ठा होने लग जाता है, की वजह से आपकी बॉडी पर स्वेलिंग आने लग जाती है। तो नमक, आप कोई सा भी खाते हैं तो आपको नमक कम खाना चाहिए। जितने भी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक आते हैं, सोडा आते हैं, तो ये आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि सोडे के अंदर अत्यधिक मात्रा में चीनी का प्रयोग किया जाता है और साथ में इसको प्रिजर्वेटिव करने के लिए इसमें फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो इससे आपका फॉस्फोरस का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और फॉस्फोरस हमारी किडनी इसका बैलेंस नहीं बना पा रही होती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ने लग जाती है और आपकी किडनी में जो डैमेज है वो और भी तेज़ होने लग जाता है और आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन हैं, जो टिश्यू हैं, वो डैमेज होने लगते हैं और आपकी किडनी के कार्य करने की जो गति है वो भी स्लो हो जाती है। अगर आप चाय और कॉफ़ी का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। चाय के अंदर निकोटीन पाया जाता है और कॉफ़ी के अंदर कैफीन पाया जाता है। जो निकोटीन होता है वो आपके ब्लड में जाने लगता है चाय ज़्यादा लेने की वजह से, और निकोटीन जो होता है बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं उसके अंदर, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को भी हाई करता है, आपके पाचन के विकारों को बढ़ाता है, साथ में आपके ब्लड को बहुत ज़्यादा एसिडिक कर रहा होता है। और जो कैफीन होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को हाई करता है, आपको दिमाग को अच्छा महसूस कराता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे होते हैं और ये चीज़ें आपके ब्लड को बहुत ज़्यादा एसिडिक करती हैं। और जब ब्लड आपका फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में जाता है तो यही एसिडिक ब्लड आपकी किडनी को बहुत तेज़ी से डैमेज करने लगता है। फ्रेंड, जितने भी प्रकार के खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, नींबू है और केले का प्रयोग करना किडनी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर आपका क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ रहा है, आपको पेशाब से प्रोटीन आ रहा है बहुत अधिक मात्रा में और साथ में आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो आपको इन खट्टे फलों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और ज़्यादा पोटेशियम हो जाने की वजह से आपकी जो किडनी पहले ही कम कम कर रही है वो इस पोटेशियम की मात्रा को बैलेंस नहीं कर पाती है आपके ब्लड के अंदर और आपके हृदय की गति धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। आपकी किडनी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है इसको मेंटेन करने का और आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन है वो डैमेज होने लगते हैं, आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है और आपका हार्ट भी फेलियर हो सकता है, आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो सकती है। कभी भी आपको दूध से बने हुए प्रोडक्ट नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए, दूध के प्रोडक्ट आप बोले जाते हैं, दूध के प्रोडक्ट आपको बचपन से ही दिए जाते हैं, जब आपकी किडनी काम कर रही होती है तो ये आपको बेनिफिट करते हैं, लेकिन जब आपकी किडनी काम नहीं कर रही और आप इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन कर रहे होते हैं, जैसे दही, दूध, पनीर, तो इससे क्या होता है कि आपका फॉस्फोरस का लेवल बढ़ जाता है। दूध, दही, पनीर में अत्यधिक मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है और इसमें लैक्टोज होता है जो आपके पाचन के विकारों को बढ़ाता है और आपकी किडनी इतने सारे फॉस्फोरस को मेंटेन नहीं कर पाती है और आपकी किडनी में बहुत अत्यधिक मात्रा में दबाव पड़ता है और आपकी किडनी का डैमेज रुकता नहीं और भी अत्यधिक होता रहता है। अचार अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं या आप अचार का सेवन कर रहे हैं तो अभी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, क्योंकि अचार के अंदर विनीगर का, एक्स्ट्रा सॉल्ट का और एक्स्ट्रा ऑयल और एक्स्ट्रा मसाले का प्रयोग किया जाता है, जो कि सारी ही चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा हानि करेगा। इससे आपका पोटेशियम भी बढ़ेगा, आपका फॉस्फोरस भी बढ़ेगा और आपका ब्लड भी बहुत ज़्यादा एसिडिक रहेगा, साथ में आपका क्रिएटिनिन यूरिया भी तेज़ी से बढ़ाएगा। तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार का अचार का सेवन नहीं करना है। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।